दोस्तों आज संता सैनिक दल के 93वें स्थापना दिवस पर हजारों की तादाद में माननीय एआर जोशी जी के नेतृत्व में रानी झांसी रोड अंबेडकर भवन से चलकर के संसद भवन मार्ग तक हजारों की तादाद में यह कारवां के रूप में सभी साथी पहुंचे और बहुत अनुशासित तरीके से यहां 93वां स्थापना दिवस मनाया गया। जितने लोग यहां पर पहुंचे हैं, मैं चाहूंगा कि माननीय एआर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समता सैनिक दल आए हुए तमाम आगंतुकों का आए हुए सभी साथियों का धन्यवाद करेंगे और अपनी तरफ से दो शब्द भी कहेंगे। जय भीम साथियों, जय भारत और समता सैनिक दल जिंदाबाद, नमो बुद्धाय। मैं आज इस बहुत ही दल की महारैली के समता सैनिक दल के तत्वधान में जो महारैली आप सभी के सहयोग से यहाँ आयोजित की गई, पूरे देश से कोई स्टेट नहीं बचा कि जहाँ सबका रिप्रेजेंटेशन ना हो। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आज दलित शोषित सरहरा वर्ग जाग चुका और आज वो अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तत्पर है। मैं इसी आयोजन पर जितने भी संगठन आए, जहाँ जहाँ से भी प्रदेश अध्यक्ष आए, वो पूरे भारत में आसाम से लेकर के और कन्याकुमारी तक, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक कोई स्टेट नहीं बचा के सारे जो समता सैनिक दल के जाबाज सिपाहियों ने आज इस पवन बाबा साहब के भवन पर, उस पवन भूमि पर इकट्ठा होकर के एक राष्ट्रीयकरण की, देश में शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की आज को उद्घोष किया और इस पूरे भारतवर्ष में जो स्नायलम अपॉइंटमेंट है 300 घरानों का आधिपत्य पिछले 150 साल से चला आ रहा है, उसके लिए उसके खिलाफ एक आंदोलन उद्घोष किया। और वो ये चाहते हैं कि हम सब लोग, यदि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में समता मैत्री भाईचारा और सबको समान शिक्षा, सबके समान परिविधान का आयोजन किया जाए तो हमें ये संविधान के लागू करना पड़ेगा और देश में शिक्षा को एक समान करना पड़ेगा। आज पूरे भारतवर्ष में जो शिक्षा का बहुत ही बचौलियापन और कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है, एक आध आदमी, एक आम व्यक्ति, एक मजदूर, किसान, जो भी मजदूर है, गरीब है, वो गरीब की कोई जात नहीं होती, वो किसी भी कास्ट का हो सकता है, उसके लिए ये शिक्षा बहुत महंगी है और इस शिक्षा का महंगा होना आज पूरे भारतवर्ष के लिए नितांत एक कष्टदायक होगा। और ऐसा लगता है कि पूरा भारतवर्ष, आपका जो यूनिवर्सिटी बनी है, हर 5 किलोमीटर पर एक यूनिवर्सिटी बनी है, इन यूनिवर्सिटी की संख्या केवल शिक्षा ही शिक्षा पर आधारित है। उनके पास धन दौलत, उनके पास संसाधन और दूसरी एग्रीकल्चर लैंड और फैक्ट्री वगैरह नहीं है, इसलिए यदि वो अच्छी शिक्षा पाएंगे तो सर्टेनली उनका रोजगार लगेगा। तो इसी माध्यम से जब व्यक्ति, दूसरा पॉइंट, जो व्यक्ति शासन प्रशासन से पीड़ित हो जाता है, वो कोर्ट में जाके गुहार लगाता है और ये सोचता है कि उसको कोर्ट में जाके न्याय मिलेगा, लेकिन यदि कोर्ट में भी उसी मानसिकता के लोग विराजमान हैं जिसने कभी धरती पर उतर कर देखा नहीं, जिसने कभी गरीब की पीड़ों को देखा नहीं, जिसने कभी उस रोजमर्रा जो आज हर एक मिनट में इस देश में दलितों पर शोषित जो रेप हो रहे हैं उसको कभी देखा नहीं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनको कत्लेआम किया जा रहा है, तो वहां से अगर न्याय व्यवस्था इतनी कठोर और मजबूत होती, इतनी डरावनी होती, तो सर्टेनली मैं ये कहता हूं कि कभी भी ये अपराध जो आज डे बाई डे बढ़ रहे हैं, कभी अपराध ना बढ़ते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी श्रद्धेय साथियों का, जितने लोग जहां से भी आए, पूरे भारतवर्ष से आए, यूपी से आए, बिहार से आए, झारखंड से आए और पंजाब से आए और दमन दीव से आए और अपना तेलंगाना और हैदराबाद से आए, असम से आए, मैं उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और श्रद्धेय साथियों से अपील करता हूं कि वो समाज की लड़ाई में सब कुछ भूल करके एक इकट्ठे मंच से, इकट्ठी ताकत से लड़ाई लड़ने का काम करें और वो दिन दूर नहीं है जो बाबा साहब ने संविधान में प्रयोजन किया था वो आपको साक्षात मिलेगा। मैं समता आवाज का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, चूंकि
आज समता आवाज जो समता सैनिक दल की एक कड़ी है, उन्होंने इस आवाज को समता सैनिक दल का आवाज में देश के कोने कोने में जो पहुंचाने का काम किया, उनके सभी श्रद्धे साथी अपने राहुल नागपाल जी, शशि भूषण जी, बालक राम जी और मनोज अंतानी जी, इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने प्रोग्राम में आकर के चार चांद लगाए। जय भीम साथियों और जय भारत।